हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनकैडमी। आज पता है मैं आपसे मिलने के लिए क्यों बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत परेशान हैं यार। मतलब रेलवे एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, बच्चे परेशान हैं, सर क्या करें क्या नहीं करें। तो बच्चे, रेलवे ये बात तो तय है, आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ कि रेलवे एग्ज़ाम आने वाले समय में 2 या 3 महीने में निश्चित होगा, क्योंकि इतना प्रेशर है रेलवे पर, चारों तरफ से मीडिया भी उठा चुकी है आवाज़ कि आखिर बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें। तो बच्चे परेशान हैं, मीडिया भी आवाज़ उठा चुकी है, हम लोगों ने भी RTI डाला है, तो जैसे ही जवाब आएगा। तो कुछ बच्चों ने कमेंट देखा कि सर, वैसे बच्चे देखो, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे को लगता है कि सर मैं सिलेक्शन लूँ तो कैसे सिलेक्शन लूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं जॉब भी करता हूँ और समय भी नहीं मिलता है, कैसे तैयारी करूँ। तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जुड़िए, और जुड़ने के साथ क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या शुरुआत हो चुकी है, कौन से कोर्स है, कैसे लाइनअप है, सब कुछ एवरीथिंग। क्योंकि सर देखो, 40 नंबर के सवाल है, और आपको पता है कि पिछले 2019 में जब रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद पता चला प्री में कि सर मेरा तो 1 नंबर से कम था, मेरा तो आधा नंबर से कम था। सर लेटली सिलेक्शन होने के बाद ये एहसास होता है कि आधा नंबर, 1 नंबर का जो फासला कितना दर्द देता है। तो कमिंग डेज में 17 फरवरी से CGL और CHSL को लेके मैं और कृति मैम ने एक अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है, बिल्कुल 20 डेज को लेकर या 25 डेज, मतलब जो भी हो, क्योंकि 16-17 को पेपर है तो हम एक मंथ मानते हैं। सिलेबस को अच्छे तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपका CGL और CHSL क्लियर हो। लेकिन रेलवे की क्लास जारी है और कृति मैम का SSC CHSL या CGL जो कहें, करंट अफेयर का क्लास जारी है। और कमिंग डेज में रेलवे में 24 तारीख से आकाश सर का मैथ आ जाएगा, हितेश सर का आपका ये रीजनिंग आ जाएगा, तो बैक टू बैक लाइन ऑफ है, और DRDO तो लाइन ऑफ है ही। तो आपको पता है कि अनअकैडमी पे जो हम लोगों ने सिलेबस को डिजाइन किया है सर, ये है, आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री शुरुआत हो चुकी है, 3-4 क्लास हुआ है, और पॉलिटी और ज्योग्राफी है, और कमिंग डेज में जो होगा स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, ये कृति मैम के जिम्मे दे दिया ताकि मैम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो अच्छा कन्वे कर सकते हैं इकोनॉमिक के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक देख रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स के साथ या इंडियन इकोनॉमिक कह दें, और साइंस एंड टेक मैं लेकर आऊँगा। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया, जैसे रेलवे एडमिट कार्ड अनाउंस करेगा, भैया अब एग्जाम अनाउंस हो गया, एडमिट कार्ड बटना शुरू हो गया, यानी 1 महीने का टाइम रहेगा, 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें से सारे सब्जेक्ट, आकाश सर का मैथ्स, हितेश सर का रीजनिंग, और मेरा GK GA, मकरती मैम करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स वगैरह, सब कुछ एवरीथिंग, यानी हिस्ट्री शुरुआत हो चुकी है, जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी शुरू होगा या पैरेलल में ये शुरुआत हो जाएगा। तो बस चूकना नहीं है इस बार, DRDO भी आने वाला है, तो बस वाईफाई चैम्प जो कोड है इसके साथ जुड़ना है, और बिल्कुल तैयारी तो करा ही रहे हैं, यूट्यूब में आप रेगुलर जुड़ते ही हो, यहाँ पर आपकी तैयारी हो जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक तरह से कहें प्रैक्टिस सेशन है, YouTube में क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। क्योंकि बच्चों देखो, अब कई सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं सर यहाँ अनअकैडमी प्लस पे, यानी जो आप डाउनलोड करोगे अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप, और YouTube में अंतर क्या है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ पढ़ाया क्वेश्चन, आपके जो क्वेरी हैं मैं ले नहीं पाता हूँ, कई सारे बच्चे इतने तेज कमेंट चलते हैं, यहाँ क्या है कि यहाँ 1 by 1 जो बच्चे ने ले रखा है आप उससे पूछिए, कितने अच्छे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रत्येक 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन है। अब सोचो ये 3 लेक्चर में आपने जो पढ़ा, बिल्कुल एक डाउट सेशन रख दिया, यहाँ टाइम कम है, YouTube में आधे घंटे क्लास मिलती है, आधे घंटे में जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यहाँ आप जुड़िए और अपनी सफलता को और आगे ले जाइए। जो आप चुकते हैं, प्री होता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है तो प्री नहीं, है ना, तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है सर कि मैं जुड़ूँ कैसे, चाहता तो हूँ लेकिन वो प्रोसेस क्या है यही पता नहीं है। तो प्रोसेस सिंपल सा, साधारण सा ये है, 7 स्टेप है, आप इसे स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लिया, बहुत बढ़िया। अब उसमें से मोबाइल नंबर अपना फिल करना है, अगर मोबाइल नंबर वही है जिस मोबाइल से आप एक्टिव हो, तो बस लॉग इन करोगे,
एक ओटीपी आएगा वो खुद ले लेगा। इसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ एसएससी, क्योंकि देखो मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा था, एक बच्ची कहती है कि सर मैंने रेलवे ले रखा है और एसएससी की तैयारी अब क्या करूँ। अब सोचो वो एसएससी का पेपर है, उन्होंने रेलवे ले रखा है, इंग्लिश है यहाँ, रेलवे में इंग्लिश है ही नहीं, मुफ्त का पैसा चला गया ना उनका। इसीलिए कहते हैं कि अपना गोल सेलेक्ट करिए, अपना विजन पहले तय करिए कि मुझे रेलवे करना है, एसएससी करना है, बैंक करना है, डीआरडीओ करना है, डिफेंस करना है, पीसीएस करना है, एवरीथिंग, पुलिस करना है, जो तैयारी करते हैं आप पहले गोल सेलेक्ट करिए। इसलिए लिख दिया गया कि अपना गोल को सिलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट किया जो भी हो, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जितने मंथ का कोर्स लेना, जैसे मैंने भी कहा एसएससी का, तो मैं और कृतिमा पढ़ा रही हूँ, तो ये एक महीने का है। बच्चे सोचेंगे सर ज़्यादा क्यों लेंगे, भैया ज़्यादा इसलिए क्योंकि सितंबर में फिर से सीजीएल है, तो फिर से पैसा देंगे आप, यहाँ पैसा दिया आपने फिर यहाँ पैसा दोगे नहीं ना, और प्री पढ़ लोगे फिर मेंस कौन पढ़ाएगा, मेंस के लिए पैसा क्यों दोगे, मेंस भी यहाँ होगा। तो जितने मंथ का कोर्स लेना है, फिर जो रेफरल कोड है इस रेफरल कोड में डालना है वाईफाई चैंप, ताकि चैंपियन टीम इंग्लिश के लिए संदीप सर, जीके जीएस के लिए बहुत परेशान थे तो कृति मैम और रोहित सर, मैथ के लिए आकाश सर और रजनी के लिए तो फिर कहना नहीं, नाम ही काफी हितेश सर, एक कंप्लीट टीम मिल गया प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। तो वाईफाई चैंप डालेंगे, अप्लाई करेंगे, गेट 10%, जो भी फीस होगा वो ऑफ हो जाएगा, लास्ट में पेमेंट करना है, गेटवे खुलेगा और क्लास मैं और आप इंटरेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जुड़ेंगे और मिलेंगे क्लास में, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।